Hello everyone, my name is Poornima Mishra and today this is my first video of class 10th. This is the chapter 1 of the first flight, the letter to a letter to God is the story written by G.L Fuentes. Okay, so aaj hum padhenge is story ki summary ke bare mein. Summary aur ye story hai Latin American country ki, and this story revolves around the idea of having unwavering faith in the God or in deity, right? तो ये इस एक फार्मर लेंजो की स्टोरी है जो कि उसके अधिक विश्वास पर टिकी हुई है, उसको अधिक विश्वास है गॉड में. इन फार्मर लेंजो, द नेम ऑफ फार्मर इज लेंजो एंड लेंजो इज अ प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी. प्रोटैगनिस्ट इन द स्टोरी, I hope that you are able to understand the meaning of protagonist. Protagonist is someone who is the hero of a story or around which the story revolves. तो जो लेंचो है वो ये इंतजार कर रहा है कि उसके कॉर्न की फील्ड जो उसने बोई है, जो उसने मक्की की फसल लगाई है, वो जल्दी जल्दी पके और वर्षा के आने का इंतजार कर रहा है वो. और जब अचानक से वर्षा होने लगती है, when suddenly the rain comes, then He was very delighted. वो बहुत happy feel करता है और बहुत खुश होता है उसको देख के, और वो सोचता है कि उसकी फसल जल्दी ही पक जाएगी. लेकिन अचानक से फिर क्या होता है, उसकी जो जो वर्षा आई होती है वो अचानक से कह सकते हैं कि ओलावृष्टि होने लगती है, ओले बरसने लगते हैं वर्षा के रूप में. The rain changes into hailstorm, right? और जो रेन चेंज हो जाती है तो स्टॉर्म में, तो रेंचो की जो खुशी होती है वो भी चेंज हो जाती है सोरोनेस में और सैडनेस में. तो वो बहुत दुखी हो जाता है. एंड डिस्पाइट वर्किंग डे एंड नाइट हार्ड इन द फील्ड्स ही आल्सो नो हाउ टू राइट. वे जानता है, वे लिखना जानता है कि कैसे लिखा जाता है. तो वो अपने बेंच पे बैठ जाते हैं, बेंच पे बैठ जाता है और लिखने लगता है एक लेटर, a letter to God. So that's why the name of the story is a letter to God. Okay? So वो letter में क्या लिखता है, वो letter में God के लिए लिखता है कि मुझे 100 pesos चाहिए हैं, जिससे कि मैं अपनी family का इस year का और खर्चा चला सकूं और मैं अपनी बर्बाद हुई फसल को फिर से बो सकूं, अपनी field को बो सकूं. फिर वो God को letter लिखता है और वो जब city जाता है लेटर को पोस्ट करने, देन द पोस्टमैन सॉ हिज लेटर, देन डिस्पाइट लॉफिंग ऑन हिज लेटर ही वाज अ काइंड मैन. ही व्हेन रीड अबाउट दैट ही वांटेड 100 पेसोस, ही वाज अ काइंड हार्टेड पर्सन. और वो अपनी चैरिटी चलाता है, वो अपनी फ्रेंड्स से कहीं से 70 पेसोस इकट्ठे करता है और एक एनवेलप में डाल देता है. फिर क्या होता है, फिर जब लेंचो नेक्स्ट डे एनवेलप कलेक्ट करने आता है तो उसके पास, तो उसमें 70 पैसोस होते हैं और उसमें एक गॉड का सिग्नेचर होता है. एंड तो इसे देख के वो बहुत एक्साइटेड नहीं होता है, वो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है लेंचो कि मुझे सिर्फ 70 ही पैसोस मिले हैं जबकि मुझे 100 चाहिए थे. तो दिस वॉज द समरी ऑफ द स्टोरी. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इफ I have committed any mistake in this video, then sorry. Please apologize me. Thank you.